हूं, आप कामयाब हो चुके हो। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को साबिक करार दे दिया। इमरान खान को बुजदली का ताना कहा। असेंबली में 172 अरकान का जलसा करके दिखाए। ये फनी काला के खान है, पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। आपने सारी बूट पॉलिश खत्म कर दी। मौलाना को डीजल कहा और खुद डीजल महंगा कर दिया। हुकूमत गिर जाए मगर इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम का दो टोक पैगाम। सहाफियों से कहा लिख ले, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले सरप्राइज आएगा, जलसे के बाद इत्तेहादी हवाले साफ करने का फैसला करेंगे। चौधरी निसार से मुलाकात का भी बता दिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, आइन की हुरमत का मुकदम होना यकीनी बनाएंगे। अपोजिशन ने अखुवत अवाम एलानिया जारी कर दिया। लिखा अपोजिशन अवाम के हकूक की जामिन है, रियासती इदारे पार्लियामेंट के ताबे होने चाहिए, अदलिया आजाद और मुंतखब इदारे अवाम के सामने जवाब दे। सत्ताईस की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। 30 को, 31 को, पैडी को, जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे। अदम एतमाद की वोटिंग 30 मार्च से 1 अप्रैल तक हो सकती है। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा 27 मार्च की रात को मालूम हो जाएगा अवाम किसके साथ है। मार्च 24 के बजाय 26 मार्च को होगा। शुरका 27 मार्च को गुजरावाला में कयाम करेंगे। काफिला 28 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेगा। आज न्यूज की जानिब से कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। मुल्क भर में तकरीब और रैलियां। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, अस्करी कुव्वत का शानदार मुजाहरा। तीनों पास के जवानों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुआयना किया। वजीर आजम इमरान खान, विपक्षी वज़रा और ओआईसी वज़रा खारजा भी शरीक थे।